का। चलिए भैया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप को स्टार्टिंग से ही लेते हैं, यहां से शुरू होती है ये टाइप। ये सवाल दो टाइप के हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब तुम यहां पर इसके अंदर देखोगे कि ये सारा बराबर होता है, मात्र यहां इसका डिफरेंस होता है। तो हम यहां पर पहले स्क्वायर वाली कहानी कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर जब ऐसे दो संख्याएं लिखी जाती हैं तो इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर ये है तीन और ये जमा दो और ये जमा दो रूट छः, इन दोनों की गुणा होती है रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये बनेगा पाँच जमा दो रूट छः। तो पाँच जमा दो रूट छः डी सही उत्तर है। अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस आएगा और प्लस होगा तो प्लस आएगा। इस तरीके से आप सवाल को देख सकते हैं। यहाँ से पहले के सवालों की मैंने जो है आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी ले ली थी और क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे, उसके बावजूद अगर जो है ये मामला रहता है, कोई डाउट रहता है, तो ये चैप्टर पूरा करने के बाद एक बार लास्ट में फिर से ले लेंगे, हम एक बार फिर से क्वेश्चन करेंगे। कमेंट ऑन है अमन कुमार, तुम्हारा कमेंट देख रहा हूँ मैं, तुम बार बार कॉपी पेस्ट मार रहे हो, कमेंट ऑन करवा दो। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसका हम करेंगे तो ये सात और पाँच बारह, ए स्क्वायर तो सात हो जाएगा, बी स्क्वायर पाँच हो जाएगा। अंडर रूट वाली किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, इट विल बी सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व प्लस टू रूट थर्टी फाइव। उम्मीद करूंगा सबको सही समझ में आ गया होगा, सी सही उत्तर है इसका। ये पाँच जमा दो, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस टू ए बी होता है, तो इसका स्क्वायर आएगा पाँच और जमा दो माइनस दो रूट दस, इट विल बी सेवन माइनस टू रूट टेन, सी सही उत्तर। ये आएगा तेरह जमा ग्यारह चौबीस माइनस दो रूट एक सौ तिरतालीस, तुम्हें तेरह गुना ग्यारह गुना तो करना आता होगा ना, तो चौबीस माइनस दो रूट एक सौ तिरतालीस साठवां। श्रवण चौधरी कैथल, आफ्टर टू मंथ्स आई एम बैक। चलो भाई इसको पढ़ते हैं। शिव कश्यप सर सेंटर बंद करोगे, हम बंद थोड़ी करेंगे, सेंटर तो सरकार बंद करवाएगी अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो, अगर आप लोग साथ देने वाले हो तो फिर कहाँ बंद होगा। चलो भाई ये बात देखो जरा, ये दो का स्क्वायर होता है चार, अब चार का स्क्वायर रूट होता है दो, ये कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर इस सवाल की पहचान है वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, जैसे हमने पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करके फिर उसका स्क्वायर रूट किया, तो ये वही सवाल है। इसके अंदर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये प्लस टू ए बी है, तो हम इस रूट वाले का इसका हम जो है तोड़ करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे इसको, ये दो तो है ही, तो ए और बी ऐसी संख्याएं बने जिनका स्क्वायर तेरह भी आए, तो यहाँ पर अंडर रूट दस और प्लस अंडर रूट तीन ऐसे कर सकते हैं हम, तो ये अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट थ्री इसका सवाल है। जब तक तुम्हें सही से समझ में नहीं आता है तब तक तुम इसका करके देख लो, अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट थ्री इसका होल स्क्वायर करके देखो। अब इसका स्क्वायर करोगे तो दस, इसका करोगे तो तीन और जमा दो वर्गमूल तीस, अब यहाँ तेरह जमा दो वर्गमूल तीस, अब यही दे रखा है यहाँ पर। इसका अगर हम स्क्वायर रूट करना चाहें तो हम यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे और फिर हम ऐसे तोड़ेंगे, इसको हम दो रूट दस और रूट तीन, और यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, इस तरीके से सवाल करेंगे। ये अंडर रूट में अंडर रूट का सवाल है, बहुत ही अच्छे। आगे बढ़ेंगे, देश समाज जिस प्रकार का है भाई, जैसी सरकार और जैसा माहौल वैसा हमें भुगतना पड़ेगा, वैसे के अंदर हम किस प्रकार से अपना काम निकाल सकते हैं, ये काम है। हमें पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है, करियर बनाना, जॉब लगना, कैसे लग सकते हैं, तो ये सारी बात तुम्हारे सामने है, तो इस पे ध्यान देना भाई। चलिए तो ये अंडर रूट में अंडर रूट का सवाल है, यहाँ सत्रह यहाँ तीस, तो अगर अंडर रूट पंद्रह और अंडर रूट दो लें तो अंडर रूट पंद्रह का स्क्वायर पंद्रह प्लस दो ए बी ए है ही, तो यहाँ पर प्लस लगा करके सवाल का आंसर आएगा, इट इज डी आंसर 62। प्रीति शर्मा सर आप बहुत उदास लग रहे हो, दो महीने बाद क्लास ले रही हूं, उदास होने का देखो हाल है देश के अंदर जो है, हाल किस प्रकार से चल रहा है, उदासी की बातें हैं। आगे बढ़ेंगे भाई, यहां माइनस आ गया,
ये 11 आना चाहिए, तो ये रूट 6 और ये रूट 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 + 5 = 11, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये सवाल यहाँ पर ऐसे आएगा √6 - √5। अगर हम √6 - √5 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर है 6 और इसका है 5 और ये -2√30, तो ये हो जाएगा 11 - 2√30 आंसर। भाई इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लगवा देना, और इसमें जो ना वो नंबर सही नहीं है, नंबरिंग, वो नंबरिंग सही करवा के करवाना, और किताब वालों के पास भी भेज देना कि अगली बार जब किताब बनाए तो ऐसे बनाए, अपडेटेड हो जाएगा वो। तो ये 50 है भाई, ये √10 और ये -√5, इतना देखने पर सवाल आना चाहिए, सी सही उत्तर है तुम्हारा। क्लास रुक रुक करके चल रही है, 7026215215, ये ऐप वालों का नंबर है, इसके ऊपर बात कर लो अगर कोई दिक्कत है तो। CHSL कैंसिल कर दिया भैया, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, अगर सेंटर बंद होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ऑनलाइन क्लासेस में पहले मैं तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजबरा, ये सब चीजें पूरी करवा दूंगा। मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहे भाई, तुम मुझे नरेंद्र सर मान रहे हो कि मेरे हाथ हिल रहे हैं। ये वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, ये 2AB है, 2 इसमें से छोड़ेंगे, गुणा 2 लेंगे और वर्गमूल 3 लेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, ए सही उत्तर है इस सवाल का। अगर 2 + √3 का हम स्क्वायर करना चाहें तो a² + b² + 3 + 2ab, तो 4√3, तो ये हो जाएगा 7 + 4√3 आंसर। राजकुमार, मेरा नाम भी लो सर एक बार, ले बेटा तेरा नाम भी ले देंगे। ये वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, ये 2ab है तो इसको 2 × 2 × √5, तो इसका 5 और इसका 4 9 सही बन गया, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा पहले आना चाहिए छोटा बाद में, आंसर होगा √5 - 2। ये बात कल क्लास में भी हुई थी कि सवाल में क्या गड़बड़ है, बच्चों ने दो गड़बड़ बताई थी, दो गड़बड़ में पहली गड़बड़ ये थी कि पीछे बड़ा था आगे छोटा था, अगर याद हो तो तुम्हें। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। ये √15 + 4√14, तो यहां पर 2 × 2 और ये वर्गमूल 14, ऐसे करेंगे हम। अगर हम ऐसे करेंगे तो यह आया 14 और यह आया 4, 18 नहीं है, तो ये गड़बड़ है ऐसे, तो इस 2 को अंदर ले जाना पड़ेगा, फिर ये 2 और गुणा वर्गमूल, अगर यहाँ पर सही ऐसे जोड़ा नहीं बन रहा, देखो इसका तो हम 2 का करेंगे 4 और इसका करेंगे 14, जोड़ करेंगे तो 18 आएगा, 15 नहीं आएगा, 2 अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो 2 स्क्वायर बन के जाएगा, 4 बनेगा, 4 × 14 = 56, और इस 56 के टुकड़े करेंगे हम, ये 2 और ये 8 × 7, 8 और 7 = 15, इनको अलग अलग रूट में लिखेंगे, √8 √7, और यहां बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये √8 + √7 बी सही उत्तर है। उम्मीद करूंगा तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन क्लास तो हम लेंगे, लेकिन ज्यादा बढ़िया ना कि सेंटर में पढ़े हम। CHSL का पेपर कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, आगे होगा कभी, होगा कि नहीं होगा, अभी कोरोना के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है, उसकी वो आ गई होगी, नोटिफिकेशन भी आ गई होगी। राज राज सर आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाऊंगा कब तुम्हारे कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, तो कोई कॉल कर रहा तो गलत कॉल कर रहा भाई, क्लास के बीच में कॉल नहीं उठाऊंगा, आप यहां लिखो या व्हाट्सएप कर दो। क्लास में पढ़ने का, सेंटर में पढ़ने का मजा ही कुछ और है, ये तो बात मैं जो हमेशा बोलता रहता हूं। मैं सेंटर ज्वाइन कर लिया सर, मेरे ऐप की डेट 2-3 महीने तक रहती है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते रहना भाई, अब कंपटीशन ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा, इनकम ज्यादा बढ़ेगी, सीधी सी बात है। पहले 2-4 महीने पढ़ के नौकरी लग जाते थे तो उनकी इनकम भी कमी रहती थी, स्कूटरों पर ही घूमते थे लाइफ लॉन्ग, अब खूब मेहनत करके 2-3 साल पढ़ के जब नौकरी लगते हैं ना तो कारों में जल्दी आ जाते हैं बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, जैसी कंडीशन होगी वैसा हम करेंगे। इसमें से अगर मैं 2, 6 और √2 ऐसे टुकड़े बनाऊं, 2ab करना होता है, अब इसका स्क्वायर 36 और इसका 2 = 36 और 2 = 38 आना चाहिए था, है नहीं, नहीं है तो ये 6 अंदर ले जाना पड़ेगा, अंदर 36 जाएगा, 36 × 2 = 72 और यहाँ 2, अब 17 लेना है तो 9 और 8 बनेगा, √9 √8, अब यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, अब √9 को 3 और इसको -2√2 ऐसे लिख सकते हैं। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें आती होगी, 3 - 2√2, अगर नहीं आती हो तो मुझे बता देना। डाउट के लिए व्हाट्सएप का नंबर क्या है, अभी पहले इसको देखो,
इसको देखने के बाद जब ये पूरा हो जाएगा टॉपिक, ये पूरा टॉपिक होने के बाद नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लूंगा मैं। अगर ऐसे करने के बाद तुम्हें सवाल नहीं आता तो नेक्स्ट टॉपिक में डाउट रहेगा। ऐसे डाउट पूछते रहेंगे तो फिर सवाल नहीं बनेगा सही। देखो वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, ये भी वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ पर हम इसके टुकड़े करेंगे। अगर मैं यहाँ 10 में से 2 गुणा 5 और गुणा वर्गमूल 3 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर 25 और इसका 3, 25 और 3 28, बिल्कुल सही है। ये प्लस का निशान इसके बीच में आएगा, इतना आंसर है इस सवाल का, 5 प्लस रूट 3। अब मैं यहाँ इसको देखूँ तो ये 2ab फिर से है, 2 into 2 into root 3। अब इसका स्क्वायर 4 और इसका 3, 4 और 3 7, बिल्कुल सही है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस बीच में आएगा ऐसे, लेकिन यहाँ माइनस है, इस माइनस के कारण ये दोनों माइनस हो जाएंगे, सो -2 -√3, इससे ये कैंसिल होगा, 5 में से 2 गया 3। ये सवाल है, अगर तुम्हें ये सवाल कंप्लीट देखना है, अगर तुम्हें लग रहा कि ये आ नहीं रहा तुम्हें, तो इस सवाल को मैं कंप्लीट सिखाता हूँ, देखो तुम्हें अच्छा एहसास होगा। ये अंडर रूट 28 प्लस 10 रूट 3, इसको मैं करता हूँ 25 जमा 3 जमा 2 गुणा 5 गुणा वर्गमूल 3, ऐसे लिखेंगे इसको। ये 5 का स्क्वायर है, ये जमा अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, जमा 2 गुणा 5 गुणा अंडर रूट 3। यहाँ पर ए जो है ये 5 है और यहाँ पर बी जो है ये अंडर रूट 3 है, तो हम जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 जमा अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर आएगा, और फिर ये अंडर रूट में है, देखो सारा ये अंडर रूट में है, देखो ऐसे, तो ये स्क्वायर से ये कटता है, सो ये 5 प्लस रूट 3। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल देखो तुम्हें सही समझ में आ रहा होगा। साहिल पंडित, सर सेंटर बंद मत होने देना, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा भाई। ये अलग कैसे किया, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया। अरुण कुमार बघेल, चलो भाई अब ये सवाल है, इस सवाल में जो हमारे काम का है ना वो ये है कि वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है। ये 2ab है तो ये 2 गुणा 2 और गुणा वर्गमूल 3, अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और इसका स्क्वायर करेंगे 3, 4 और 3 7, ये इस तरीके से आता है, और ये माइनस है तो बीच में आएगा माइनस, इतना आंसर है इस गोले वाले का। तो यहाँ अंडर रूट 3 जमा 2 माइनस अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 बचेगा, डी इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन। विक्रम कुमार बीकानेर, सर समझ नहीं आ रहा, पूरी वीडियो दोबारा से देखना, बेसिक क्लास देखना, इसमें जो है न्यू जर्नल में देखा वर्ग वर्गमूल का, उसके बाद 3 क्लास और हो चुकी है, 4th क्लास है, ये सारी क्लासेस देखता हुआ जब यहाँ पहुंचेगा ना तो समझ में आएगा, अगली क्लास में तुम्हारा जो है डाउट ले लेंगे। यहां पर अंदर की तरफ से चालू करेंगे सॉल्व करना इसको, ये 5 है, 41 में से 5 गया 36, 36 का वर्गमूल 6 है, 55 में से 6 गया 49, 49 का वर्गमूल 7 है, 2 और 7 9, 9 का वर्गमूल 3, सी सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। ये दोनों चीजें अलग अलग काम करती हैं, सेंटर अलग काम करता है, ऐप अलग काम करता है, ये तुम्हें प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। ये क्वेश्चन देखें और फिर निकाल के देख लिए, फिर देखें फिर निकाल के देख लिए, फिर देखें फिर निकाल के देख लिए, रिवाइज हो जाएगा। सेंटर के अंदर तुम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक 3-4 महीने पहले किया था, अब कितने लोगों को याद है, ऐप के ऊपर इसको खोलो और उसको चेक कर लो। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अभी किरण की किताब से स्टार्ट भी कर रहा हूँ, ऐप के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन की क्लास, तो वहाँ पर आप तब तक बेसिक वाला पढ़ना पूरा बेसिक, उसके बाद तुम जो है सिंप्लीफिकेशन न्यू जर्नल में पढ़ना, और फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना तुम ओल्ड जर्नल में, और फिर किरण वाली किताब आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं उसको पढ़ना, फिर तुम्हें अच्छा एहसास होगा। अब यहाँ से हम सवाल चालू करेंगे तो 2, 7 और 2 9 का वर्गमूल 3, 13 और 3 16 का वर्गमूल 4, 21 और 4 25 का वर्गमूल 5, बी सही उत्तर है, इस तरीके से सवाल होगा, बहुत बढ़िया। मोनिका हिसार, सर मैंने 4 घंटे में न्यू जर्नल कंप्लीट कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ये आ गया 11, 11 और 5 16 का वर्गमूल 4, 20 में से 4 गया 16 का वर्गमूल 4, 5 और 4 9 का वर्गमूल 3, 3 और 1 4 का वर्गमूल 2, डी सही उत्तर है 73। ये आ गया 3 और 1 4 का वर्गमूल 2, 11 में से 2 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, 19 में से 3 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3, सी सही उत्तर। न्यू जर्नल के करवा रखे हैं राजराज, पूरा जो है फोल्डर है इसके ऊपर। ये आ गया 1, 3 और 1 4 का वर्गमूल 2, 11 में से 2 गया 9,
9 का वर्गमूल 3, 13 और 3 16, 16 का वर्गमूल 4, 13 में से 4 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 और 22 25, 25 का वर्गमूल 5, बी सही उत्तर है। ये वर्गमूल वाला ही सवाल है, देखो ये वर्गमूल में वर्गमूल अंदर वाला मामला देखेंगे, सिर्फ इतना जितने पर रेड डॉट है। देखो हम अंदर की तरफ से चालू करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल में ऐसे किया था अंदर की तरफ से चालू, तो ये वैसे का वैसा सवाल है, इसमें हम अंदर से चालू करेंगे। अब ये 2AB है, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो ये 2 माइनस रूट 3 का मामला बन गया। अब इसको 8 से गुणा हमें करना पड़ेगा, और ये प्लस 3 लिख रखा है, इस वर्गमूल तक का मामला मैंने ले लिया इसमें ऐसे, तो यहाँ पर 8 दुनी 16 माइनस 8 वर्गमूल 3, और ये प्लस 3 लिख रखा है, और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये हो गया 19 माइनस 8, 8 को मैं 2 गुणा 4 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकता हूँ। अब इसका वर्ग करेंगे 16 और इसका 3, 16 और 3 19, सारा मामला बिल्कुल फिट है, तो ये जो सवाल बना ये बना 4 माइनस रूट 3, इतना आ गया। और यहाँ पर ये मैंने निशान बदलने के लिए बोला था भाई, यहाँ प्लस का निशान आना चाहिए था, यहाँ इतने तक का जितना ये गोला है इतने तक का आ गया 4 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर आएगा रूट 3 प्लस 4 माइनस रूट 3, इससे ये ऐसे कैंसल, आंसर 4। अगर यहाँ इसको माइनस लेते हैं, इसको माइनस लेने में ये बनेगा माइनस रूट 3 प्लस 4 माइनस रूट 3, तो ये बनेगा 4 माइनस 2 रूट 3। इसको मैं गुणा एक और ले सकता हूँ, यहाँ पर गुणा एक लेने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, तो यहाँ से माइनस वाला है ये अंडर रूट 3 माइनस 1, इसका ये स्क्वायर है ऐसे, देखो ये होल अंडर रूट तो इसके नीचे आ ही रहा है, और यहाँ भी अंडर रूट है, इस अंडर रूट के कारण इसका 2 आएगा, जैसे मैंने एक अंडर रूट छोड़ दिया था। अगर यहाँ प्लस है तो 2 उत्तर आएगा, और यहाँ माइनस है तो इसका उत्तर ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ए सही उत्तर, ऐसे का ऐसा रहेगा तो ए उत्तर है। चलिए राहुल कुमार, सर जी आप हमारे कमेंट नहीं दिखते हो, देखते हैं। प्रीति सैनी, नहीं आया सर ये सम, नहीं आया तो दोबारा करवा देंगे। पहले देखो इसमें ये एक वर्गमूल है, ये एक वर्गमूल है, देखो ऐसे वर्गमूल में वर्गमूल है ऐसे, ये 7 माइनस 4 वर्गमूल 3, तो ये 2 गुणा 2 गुणा वर्गमूल 3 ऐसे है, ये इसका स्क्वायर 4 और इसका 3, 4 और 3 7 माइनस, ये इस माइनस के कारण यहां माइनस आएगा और इसका उत्तर इतना आएगा। इस वर्गमूल वाले इसके स्थान पर ये लिखा जाए तो ये बनेगा 3 जमा 8 गुणा 2 माइनस वर्गमूल 3, ऐसे लिखा जाएगा और इसके ऊपर ये वर्गमूल है, तो ये 8 दुनी 16, ये जमा 3 तो पहले से ही है, माइनस 8 वर्गमूल 3 ऐसे आया, वर्गमूल ऐसे है ही, तो ये आया 19 माइनस 8 वर्गमूल 3, तो ये 2 ए भी होता है 2 गुणा 4 गुणा वर्गमूल 3, ये 4 का स्क्वायर 16 और इसका 3, 16 और 3 19 बिल्कुल सही है, वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, ये 2 ए भी है तो यहाँ पर माइनस आएगा और इतना आंसर हो जाएगा 4 माइनस रूट 3। यहाँ पर दे रखा है माइनस रूट 3 और आया हमारा प्लस 4 माइनस रूट 3 अंडर द रूट, ऐसे आ गया। इसको इसके साथ जोड़ेंगे ये बनेगा 4 माइनस 2 रूट 3 और अंडर द रूट, ये वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 ए बी, तो 2 है ए है बी नहीं दिख रहा, अगर गुणा एक लिख लूँ तो देखो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, इसका स्क्वायर आएगा 3, इसका एक 3 और एक 4, और गुणा एक तो कभी भी लिख सकते हैं हम किसी भी चीज़ के साथ, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसका आंसर आया अंडर रूट 3 माइनस 1 आंसर, ये ए सही उत्तर है। फैक्टर्स वाला चैप्टर दोबारा करवा देंगे, जो पहले करवा नहीं रखा पहले वो तो करवाएं। प्रतिभा पोरवाल, प्रणाम गुरुजी, उज्जैन एमपी से हूं मैं, आपकी उज्जैन में ब्रांच नहीं है, मुझे ऐप पर ही पढ़ना पड़ता है। अब देखो हम लोगों को खाने में बहुत अच्छी चीजें चाहिए, वो अवेलेबल ना हो तो थोड़ी सी कम क्वालिटी पर काम करना पड़ता है ना, जैसे हमें खाने के लिए बिल्कुल फ्रेश आम ऐसे चाहिए जो अभी पेड़ से टूटे हों, अब वो नहीं मिल रहे तो थोड़े से बासी दुकान से ला के खाने पड़ते हैं, क्या करें, ज़्यादा बेटर है कि आप सेंटर में आकर पढ़ें, थोड़ा सा कम है कि भाई जो वो चांस नहीं मिल रहा तो कम से कम ये तो पढ़ें, अब हर जगह पर सेंटर एकदम से नहीं जा सकते, धीरे 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 पहुँचेंगे। बहुत बढ़िया। विशाल कुमार, सर हम बिहार से हैं, मेरा नेम नहीं होता है, तुम्हारा भी होता है। किरण की बुक कब से स्टार्ट करेंगे? आज से ही स्टार्ट करेंगे, थोड़ी बहुत देर में नोटिफिकेशन आएगा। ये फिर से वैसा ही सवाल है भैया, ये इस वर्गमूल तक का मामला हम चेक करेंगे,
इसमें और पहले वाले में क्या फर्क था? ये 2 प्लस रूट 3 आएगा यहां, ये प्लस का डिफरेंस है, और गुणा यहां करेंगे 8, 8 दुनी 16 जमा 8 वर्गमूल 3, और ये प्लस 3 और ये अंडर द रूट, तो ये हो गया 19 जमा 2 गुणा 4 गुणा वर्गमूल 3 अंडर द रूट, तो ये 4 जमा वर्गमूल 3 आया, और ये माइनस वर्गमूल 3 यहां पहले से ही है, और ये प्लस है और ये अंडर रूट है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहां पर 4 का वर्गमूल 2 आएगा। डी सही उत्तर है 77। सर जी मेरा पेपर है 22 को CHSL का नोएडा में, क्या करें, जाएं क्या जी? सुनील बुल्ला, सुनील बुल्ला जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक तो पढ़ता जा, दूसरा काम CHSL का पेपर हो गया पोस्टपोन, उसके बाद और बातें देखेंगे। प्रैक्टिस के बाद भी क्वेश्चन भूल जाता हूं तो प्रैक्टिस पूरी थोड़ी ही है, प्रैक्टिस कम है, जब भूलना बंद हो जाओगे तब प्रैक्टिस फिट हो जाएगी। अमन कुमार आपको CM बना दे अगले इलेक्शन में, वाह भाई वाह। आप लोग जागरूक क्यों नहीं होते? CM मुझे बना दो या ना बना दो, आप लोग जागरूक क्यों नहीं होते और अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ते? मैं CM बन के और फिर मैं भी ऐसा ही हो गया तो फिर क्या करोगे? सभी लोगों को जागरूक होकर काम करना पड़ेगा, बात तब बनेगी भाई। बहुत बढ़िया, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये सवाल मेरे सामने भी पेपर में आया था और मैं अटक गया, यार इसका कैसे वर्गमूल करें? जब सवाल तुम्हें नहीं आता तो उसको लिखना चाहिए 2 जमा वर्गमूल 3 और अंडर द रूट लिख लो। ऐसे वर्गमूल करना है तो ऐसे वर्गमूल का निशान लगाना पड़ेगा। ऐसे लिखने के बाद एहसास हो रहा है हाँ वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है। ये 2ab है, अब यहां 2 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा तो इसको सारे को 2 से गुणा, 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ना तो ये 4 आएगा जमा 2 वर्गमूल 3 आएगा अंडर द रूट ऐसे आएगा और इसके बटे 2 लिख लेंगे, सारे को 2 से गुणा, 2 से भाग, ऐसे 2 से भाग और इस सारे को 2 से गुणा, 2 से गुणा करके मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहां पर अगर मैं यहां गुणा 1 लिख लूं तो ये 3 और 1 4, देखो ये पूरा मामला सेट बैठ रहा है, तो अंडर रूट 3 प्लस 1 और इसके बटे अंडर रूट 2, ये देखो इसको अलग अलग रख ले, ऊपर अलग स्क्वायर रूट कर ले, ऐसे तो ये पूरा कॉमन स्क्वायर रूट है, ऐसे स्क्वायर रूट ऊपर अलग और नीचे अलग, ऐसे लिख दे, ऊपर वाला ये आ गया नीचे वाला ये आ गया, तो इसका आंसर है डी। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल आया होगा समझ में। आगे बढ़ेंगे, 4 जमा वर्गमूल 7, 4 जमा वर्गमूल 7 है तो यहां पर 4 जमा वर्गमूल 7 और इसका वर्गमूल, ये 2ab नहीं है, 2ab बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 से भाग, 2 से गुणा करेंगे तो 8 जमा 2 वर्गमूल 7 अंडर द रूट, अलग लिखता हूं नीचे अंडर रूट 2, हमने ऊपर अंडर रूट के अंदर 2 से गुणा किया, अंडर रूट के अंदर बाहर से करेंगे, हम इस प्रकार से करेंगे थोड़ा सा। चलिए तो यहां पर गुणा 1 लिखना पड़ेगा, 7 और 1 8 बनेगा, तो ये मामला यहां पर अंडर रूट 7 जमा 1 बटे अंडर रूट 2, ये सवाल है। सी सही उत्तर। इन सवालों की पहचान होती है, पहचान से सवाल करना ज्यादा आसान है। एक और सवाल करवा देता हूं, उससे और ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। ये वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है, ये 2ab होना चाहिए, नहीं है, पूरे को 2 से गुणा, 2 से भाग करेंगे तो ये अंडर रूट 12 माइनस 2 वर्गमूल 11 और इसके बटे वर्गमूल 2। अब हम यहां पर इसमें गुणा 1 करके सवाल कर सकते हैं, अंडर रूट 11 माइनस 1 बाई रूट 2। सी सही उत्तर है इसका भी। एक और सवाल, ये जितना होता ना इसके डबल से एक कम यहां मिलेगा, या माइनस है तो माइनस 1 लिखना है और बटे अंडर रूट 2 लिखना है, हर एक सवाल में देखो अब तक ऐसा हुआ है, तो इसका सवाल का आंसर हो गया डी। इसे पहले वाले सवाल में दिखाता हूं, ये 6 दुनी 12 माइनस 1 11, अब माइनस है तो अंडर रूट 11 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 ये करना है, अगर यहां प्लस होता तो यहां प्लस आता और माइनस है तो माइनस आएगा। देखो सवाल मैंने एक्सप्लेन करके पूरा दिखाई रखा है, पेपर में सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है तुम्हें। यहां प्लस है तो प्लस 1 आएगा, अंडर रूट 7 प्लस 1 बाई रूट 2, देखो ये रहा उत्तर। ये इसमें जो है क्या है कि इस 4 का डबल 8 से एक कम है, इस 2 का डबल 4 4 से एक कम है रूट 3, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और बाई अंडर रूट 2 हर एक में है, ये मैंने आंसर डी लगाई रखा है। उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल सही से आ गया होगा, इससे पहले वाले अलग टाइप के सवाल थे, ये वही वर्गमूल में वर्गमूल का ही सवाल है। अब यहां पर हर के परिमेयकरण के सवाल आ गए, ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, एक टाइप के सवाल हो गए ये, वर्गमूल में वर्गमूल वाले सवाल आज करवाए हैं इस क्लास में। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू।